फिलहाल सास बहू खाने के लिए बैठ चुके हैं और यहाँ पर बाबूजी का पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, वो चेयर पे बैठ के खा रहे हैं और मैं भी खा लूँगा अभी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 7, बस सारे लोग उठ चुके हैं और मैं भी अभी उठा हूँ। और भाभी आज है राधाष्टमी, इसलिए भाभी सुबह सुबह नहा के रेडी एकदम पूजा खत्म करके वो मंदिर अभी जाएगा। मंदिर के आने के बाद कुछ स्पेशल मनाएंगे, इंतजार करते हैं भाभी की और वो मंदिर आने के बाद दिखाता हूँ आप लोगों को क्या स्पेशल मनाना है। आज है राधाष्टमी तो भाभी ने मनाया आज राधाष्टमी, इसलिए वो सुबह सुबह नहा के रेडी एकदम पूजा करके बस जा रहे हैं मंदिर। भाभी तो मंदिर निकल चुकी है और आज पूजा बनाएगा और राधाष्टमी पूजा, इंतजार करते हैं भाभी का, वो मंदिर से आने के बाद दिखाता हूँ आज क्या प्लानिंग करना है, आज स्पेशल मनाएंगे भाभी के लिए। चलिए थोड़ा वेट करते हैं। भाभी मंदिर से आ चुकी है पूजा बना के और आज तो है उनका स्पेशल डे राधाष्टमी। आज भाभी के लिए कुछ स्पेशल बनेगा, खीर पूरी और खाएंगे मस्त। भाभी के लिए आज बनाना पड़ेगा खीर और पूरी और कुछ सब्जी वगैरह अच्छा वाला बनाएंगे। अभी भाभी हमारा जो स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुम्हें, उनका थोड़ा पूजा वना करेगी और पूजा करने के बाद देखते हैं कुछ प्लान करेंगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गया है और मेरे को याद नहीं था कि मैं मम्मी जी को लेकर आज हॉस्पिटल जाऊंगा चेकिंग के लिए, उनका आँख का टेस्ट के लिए, और 5 दिन हो गया आज को, बस आज जाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा जल्दी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ, फिर निकलेंगे भाभी मम्मी जी को लेके, हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भाभी का साथ राधाष्टमी मनाएंगे, खाएंगे मस्त, एंजॉय करेंगे घर में। चलिए थोड़ा मैं ब्रश कर लेता हूँ। यहाँ पे मम्मी जी वो तो नहा धो के रेडी होके पूजा खत्म करके अभी थोड़ा खाएगा, जल्दी निकलेंगे और हॉस्पिटल। मैं आप लोगों को दिखाया था उस दिन भूमिका हॉस्पिटल, वहां पर जाना है बहुत दूर, जाने आने का 130 किलोमीटर और 130 किलोमीटर, बस जल्दी निकलना है। मैं थोड़ा ब्रश कर लेता हूँ। खाली ब्रश करने से नहीं चलेगा, मैं सोच रहा हूँ कि नहा धो के रेडी हो जाते हैं, फिर आने का टाइम कितना टाइम होगा ये मेरे को पता नहीं, तो जल्दी ब्रश करने के बाद नहा धो के रेडी हो जाते हैं और चलते हैं। फाइनली मैं फ्रेश हो चुका हूँ, बस थोड़ा भगवान जी का दर्शन करते हैं और निकलेंगे। यहाँ पे कर रही है भाभी पूजा, ये रहे मेरा भगवान, मैं जिसे बहुत मानता हूँ, बस चलिए उनका तो थोड़ा दर्शन हो गया, बस अब निकलते हैं, अभी 7:30 का ऊपर हो चुका है, चलिए जल्दी निकलते हैं। फाइनली अब मम्मी जी को लेके हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बस अभी निकलते हैं और चलिए जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल, फिर ज़्यादा धूप भी आई है और टाइम अभी हो रहा है 8 के आसपास। हाँ बस चलिए अब चलते हैं। फाइनली हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और ये देखिए कितने सारे लोग, बस हमारा नंबर हो चुकी है, बस बुलाएंगे मम्मी जी को, दिखाएंगे, दिखाने के बाद निकलेंगे। फाइनली मम्मी जी को लेके हॉस्पिटल से आ चुके हैं और अभी बनाएंगे पूरी और खीर। चलिए मैं बनाता हूँ पूरी और दिखाता हूँ आप लोगों को मैं पूरी बनाऊंगा।
फाइनली दोपहर हो चुकी है, बस करते हैं लंच। लंच में बनी है दाल चावल, खाते हैं। और करंट भी नहीं है घर पे, चलिए थोड़ा खा लेते हैं फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो शाम को देखेंगे क्या प्लान करते हैं। और ये भादी का बाबूजी और पीसा जी आएंगे शाम को, देखेंगे दिखाएंगे। फिलहाल गाइस टाइम हो रहा है अभी शाम को 3, बस आ चुकी है बारिश आ चुकी है और इसलिए सारे लोग काम पे लगे रहे हैं। बाबूजी तो यहाँ पे लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, वो सूखा हुआ लकड़ी उसे तोड़ के रखेंगे। अरे भाभी जी लगी हुई है काम पे। ये देखिए एकदम बारिश आ चुकी है, जोर से लगता है बारिश होगा, तो इसलिए बाबूजी भाभी और मम्मी जी और उठ के सारे लकड़ियों को, सूखा हुआ लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं काट के। और बारिश भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है, छोटी छोटी बूंदे। करंट भी नहीं है घर पे, बस अब चलते हैं। बस गांव में ये सब रहती रहती है। देखिए कितने जोर से बिजली कड़क रही है और बारिश होगा। गांव में तो सारे लोग वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके वो खाना बनाने के लिए रखते हैं, क्योंकि वो लकड़ियों को जला के खाना बनाना पड़ता है गांव में। तो हमारा गांव में सारे लोग बारिश के टाइम सारे लकड़ी इकट्ठा करके घर में रख देते हैं। भाभी जी कितने काम कर रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है आज। आज उनका उपवास है और राधाष्टमी, फिर भी वो काम करने में लगी है। हमारा तालाब के पास एक पेड़ में एक बड़ा सा और टहनी बहुत दिन से टूट गया था, वो ऊपर लगा हुआ है और एकदम सूख गया है। जो हमारा आम का वो कॉलोनी आम का पेड़ है उसके ऊपर वो लगा कर वो जो ये रहा हमारा वो हाइब्रिड आम का पेड़ और आम का पेड़ के ऊपर लगा है, तो उसे खींच के निकलना है अभी। ये देखिए बहुत बड़ा टहनी ऊपर लगा हुआ है, टूट के ऊपर लगा है, तो उसे खींच के निकलना है अभी। बस बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए हमारा मुर्गी, ये देखिए उनका 4 बच्चा था और एक तो मर गया, वो 3 लेके घूम रहा है। यहाँ पे गेलू कर रहा है पढ़ाई और अभी हो रहा है शाम को 6:30 और करंट भी नहीं है, सारे अंधार। यहाँ पे एक इमरजेंसी बल्ब है इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। और बस रख दे, करंट आने के बाद करेंगे, और करंट आने के बाद पढ़ाई करेगा। करंट आसला पर पढ़ाई पड़ेगा, रगड़ी। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है रात को 9:30, करते हैं डिनर। डिनर में बनी है पूरी और आलू मटर की करी, खीर तो बनी नहीं क्योंकि हमारा घर में जो मेहमान आने वाले थे वो आए भी थे और हम लोग सोए गए थे और वो आए और 1 घंटे के अंदर वो निकल गए घर, तो उनको मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को। फिलहाल अभी करते हैं डिनर में खाते हैं
और पूरी, पूरी के साथ आलू मटर की करी और सारे लोग मिलके खाएंगे। चलिए, फिलहाल सास बहू खाने के लिए बैठ चुके हैं और यहाँ पर बाबूजी, बाबूजी का पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, वो चेयर पे बैठ के खा रहे हैं और मैं भी खा लूँगा अभी। फिलहाल करता हूँ डिनर, ये देखिए डिनर में पूरी और आलू मटर करी खाते हैं मस्त, और एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। वो बहुत ज्यादा उथला था।